यह किसी छोटे देश की अर्थव्यवस्था या किसी विकास योजना की धनराशि नहीं है, ये पैसा आपकी जेब से लूटा हुआ पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आपकी जेब से लूटा हुआ पैसा। वैसे इसे लूट भी नहीं, डकैती कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। कांग्रेस ने अपने राज में 70 साल में घोटाले और भ्रष्टाचार से आपकी गाड़ी कमाई के 48 खरब 30 अरब 69 करोड़ रुपए लूटे हैं। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए, ये इतना सारा पैसा है कि बोलते बोलते जुबा भी लड़खड़ाने लग जाए। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए से देश की सुरक्षा से लेकर प्रगति तक के न जाने कितने काम किए जा सकते थे। इतने रुपयों में तो 24 INS विक्रांत, 300 राफेल विमान, 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस है तो पंटाधार तो होना ही है। कांग्रेस के घोटालों और भ्रष्टाचार की कीमत देश को चुकानी पड़ी और हमारा देश प्रगति और उन्नति की राह में कांग्रेस की वजह से पिछड़ गया। खैर, फिलहाल हम यहाँ कांग्रेस राज के 70 नहीं सिर्फ पिछले 10 सालों की ही बात करेंगे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीत यूपीए सरकार सत्ता में थी और इसके मुखिया थे मौनी बाबा, ओह माफ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भले मानुस इतने भले थे, इनके राज में घोटाले होते रहे और ये साहब नीरो की तरह चैन की बांसुरी बजाते रहे। यूपीए शासन में आकाश से पाताल तक जमकर घोटाले हुए। कांग्रेस की यूपीए सरकार में इतने घोटाले हुए कि ये घोटालों की सरकार ही बन गई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, लगभग 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले, इटली से 12 हेलीकॉप्टर के सौदे में 362 करोड़ रुपए की रिश्वत, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के लिए 12 करोड़ का घूसकांड। ये वो दिन थे कि अखबार या कोई भी खबर या चैनल खोलिए तो घोटालों और घूसखोरी की खबरें सुर्खियां बटोरती थी और देशवासियों का सिर शर्म से झुक जाया करता था। कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के मामले में जो इटली की सरकार ने कार्रवाई की है, कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उस 2 करोड़ के लिए गांधी परिवार धमकी का भी इस्तेमाल कर रहा था।